करना है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, ये ब्रेनफोर्ड एकेडमी डुमरा। आज हमारा जो चैप्टर है ज्यामिति का जो है कुछ थ्योरम है, ये सब प्रूफ करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है हमारा क्या है, मेंसुरेशन था। मेंसुरेशन का जो है फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट करके और उसका पीडीएफ डाल दिए है ग्रुप में। इस ग्रुप ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस नंबर से जुड़े। इस नंबर पे पीडीएफ डाला हुआ है, इस पे जाके क्या करें, अपना पीडीएफ कलेक्ट करें सभी लोग। ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर हमारा जो स्टार्ट होता है चैप्टर, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखो ज्योमेट्री, ज्यामिति हमारा स्टार्ट होता है। ज्यामिति में जो है हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले ज्यामिति का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के भौगोलिक जो है क्या हमारा होता है, भौगोलिक जो होता है उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजर। मिति मतलब क्या होता है, माप होता है, क्या होता है। जियो मतलब क्या, अर्थ से रिलेटेड है कि नहीं। और मेट्री मतलब क्या होता है, उसका मैप। तो ये हमारा कहलाता है क्या, ज्योमेट्री कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, रेखाखंड देखते हैं। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड या इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है, समझो अगर किसी पॉइंट में बिना डायरेक्शन के दिया जाएगा, पॉइंट के मिलने से क्या बनता है, लाइन बनता है। तो ये हमारा क्या होगा, इस दोनों पॉइंट के अगर मिला देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये रेखाखंड। दूसरा पॉइंट हमारा है किरण जो होता है, किरण जो होता है वो हमारा होता है एक पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, किरण। ये रेखाखंड है, ये क्या हमारा किरण है। ये डायरेक्शन दे दिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए और बी। ये हमारा ए और बी क्या है, रेखाखंड। नोट डाउन करते चलो फटाफट, बेसिक सिर्फ बेसिक बता रहे हैं। क्लियर हुआ। अब देखो रेखा हमारा जो होता है, रेखा कैसे बनता है, उसमें देखो इसमें रेखाखंड में कोई डायरेक्शन नहीं है। ये किरण में के क्या है, आरेख को हम क्या कहेंगे, जैसे हमारा किरण मिल गया दोनों तरफ से, इधर है डायरेक्शन इधर भी डायरेक्शन, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखा, या इसी को बोलते हैं लाइन बोलते हैं, इसको रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रे बोलते। क्लियर है, ये हमारा क्या होगा, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। नोट डाउन कर दे चलो फटाफट, ये बेसिक कुछ है, थोड़ा देर के बाद जो है हम चलते हैं चैप्टर पे। और किसी दो लाइन के बीच का झुकाव जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कि एंगल बोलते हैं। जैसे ये हो गया लाइन और ये हो गया लाइन, इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इस लाइन पर जो झुकाव होगा, ये क्या कहलाएगा, हमारा कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, जो थीटा हमारा है क्या कहला रहा है, कोण। और इसी को एंगल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल।
किसी लाइन पर जो झुकाव होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण। इसको ऐसे बना लो फिगर, ये हमारा है और इधर से इस तरह से क्या है, इस पर लाइन जो झुकाव, ये लाइन हमारा हो गया ओ, मान लो यहां से ओ ए और क्या है बी, और इसके बीच में जो एंगल बना वही हमारा क्या कहलाएगा, ये कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण या एंगल बोलते हैं इसको। क्लियर है? अब तुम लोग पढ़ा होगा बच्चे में, क्या पढ़ा होगा पहले पिछले क्लास में पढ़ चुका होगा तुम लोग, चलो देखो इधर। तो ये हमारा हो गया क्या, कोण या एंगल बोलते हैं उसको। क्लियर है? चलो देखो वॉइस, वॉइस चेक करो, चलो इधर देखो। इसके बाद हमारा जो है ये कोण पता चल गया, लाइन पता चल गया, सिगमेंट पता चल गया, रे पता चल गया। क्लियर है? अब हम चलते हैं, तुम लोग पढ़ा होगा न्यून कोण, अधिक कोण, संपूरक कोण, राइट एंगल वाला कोण होता है। जैसे देखो न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो वैसे एंगल जिसका क्या होगा, मान जो होगा कितना 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे हम एक पिक्चर बना रहे हैं, हमारा क्या लाइन एक बनाए और इसको अगर ऐसे बना दिए तो ये थीटा हो गया। अगर हमारा ये ओ है, ए है और बी है, अगर कोण का मान जो है थीटा का मान कितना होना चाहिए, जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो ये हमारा क्या होगा, न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण होगा। क्लियर है? एक होता है हमारा सम कोण। क्या होता है? सम कोण। सम कोण जो होगा इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल, राइट एंगल। तो ये हमारा जो होगा राइट एंगल जो होता है हमारा, ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, एक लाइन है दूसरा लाइन ये है, ये ओ है, ए है और क्या है बी है, इसके बीच में कितना डिग्री का कोण आता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का कोण होगा। अगर थीटा का मान हो गया कितना, 90 डिग्री, तो ये ऐसा कोण क्या कहलाते हैं हमारा, समकोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समकोण या राइट एंगल कहलाते हैं। रेखाखंड हो गया, रेखाखंड जो होगा क्या होगा, उसमें कोई रे नहीं दिया रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट से मिलने से क्या बनेगा, रेखाखंड बनता है। और रेखा में अगर एक डायरेक्शन दिया होगा तो किरण कहलाता है, और दोनों तरफ अगर दिशा दिया रहेगा तो क्या कहलाएगा, रेखा, रेखा कहलाएगा। और अगर किसी लाइन पर कोई झुकाव होगा तो वो कोण कहलाएगा। और कोण जो होता है डिफरेंट टाइप के होता है, अलग अलग प्रकार के होता है, न्यून कोण होता है, सम कोण होता है, अधिक कोण। अगला हमारा क्या है, अधिक कोण, अधिक कोण या इसी को बोलते हैं ऑब्स्ट्यूज एंगल, ऑब्स्ट्यूज, ऑब्स्ट्यूज एंगल। वैसे कोण जिसका मान कितना होगा, 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे ये लाइन हो गया, मान लेते हैं ये वह यहाँ से ओ है, इधर हो गया हमारा एक लाइन, तो ये अगर इस पे जो कोण बनेगा, मान लेते हैं थीटा कोण बना रहा है, तो ये ए है, ये क्या है बी है हमारा। इस तरह का अगर कोण दिया रहेगा तो ये हमारा कहलाएगा, थीटा का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 180 से छोटा होगा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो ऐसे क्या कहलाते हैं हमारा,
जीरो से इसमें बड़ा होगा और क्या है 90 से छोटा। ये कोण हमारा क्या कहलाता है अधिक कोण, 180 से बड़ा होना चाहिए 90 से छोटा। एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, चलते इसको सभी लोग नोट डाउन करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक जो है स्टूडेंट जुड़े। ये अपना ही चैनल है, ज्यादा से ज्यादा जो है क्या है संख्या में जुड़े चैनल से। चलो आगे देखो, नेक्स्ट हमारा है पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, या इसी को हम कहते हैं लंब पूरक कोण, एक ही नाम है सारा। पूरक कोण लिखते जाना, पूरक कोण या पूरा कोण या होगा इसको बोलते हैं कोटि पूरक, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या हमारा होगा इसको बोले लंब पूरक कोण, लंब पूरक कोण। देखो हिंदी में कितना नाम है, इंग्लिश में एक ही नाम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसमें जो होता है, अगर दो कोणों का मान कितना होना चाहिए, सम ऑफ टू एंगल्स, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है, वैसे दो कोण जिसका मान कितना होगा 90 डिग्री, तो क्या कहलाता है पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा हमारा पूरक कोण। दो कोणों के मान को मिलाने से जो कोण बनता है पूरा कोण कहलाता है, पूरा कोण कहलाता है। द सम ऑफ टू एंगल्स, the sum of two angles are 90 degree is called complete angle, the sum of two angles equal to 90 degree। मान लो कि कोण A plus कोण B बराबर कितना होना चाहिए 90 degree, तो ये कोण हमारा क्या कहलाता है पूरक कोण। इसको अगर देखते हैं तो इधर कोण A बोल देते हैं इसको, इसको कौन क्या है बी बोल देते हैं। ये दोनों कौन का मान क्या होना चाहिए